यहाँ पे भोजपुरी में जो इन करता है तो बताती है कितने लड़कियां कि काम के लिए उनको उनसे बेड शेयर करवाते हैं लोग, क्या आप कर सकती हैं? हाँ खेसारी सर के आदमी कुछ थे, खेसारी सर नहीं वो पता है जो चमचा बेलचा होता है ना वही लोग दूसरों को साला खा लेते। आज आप बड़े लेवल पे पहुंच गए ना तो आपके इतने चमचे बेचे होंगे और सोचेंगे अरे कैसे हम कुछ करें फलनवा के साथ, मुश्किल नहीं कि हम करा दें, चलो अगर सामने से कोई आके आपको ऑफर करता है तो कि गाने में अगर काम करना है तो एक दिन के लिए रात गुजारना पड़ेगा, बेड शेयर करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे? तो उसी वक्त उठाएंगे जूता मुंह पे मारेंगे प्राक से, प्राक से जूता मारे। सोमिया मेरी दीदी लगेंगी, ताने वाली हो, बहुत बड़ा कैरेक्टर है और जो खेसारी लाल यादव जी के साथ है, खेसारी लाल यादव के साथ ट्रेंडिंग स्टार के साथ। हमारे साथ नेपाल की मशहूर हीरोइन मिल गई है किरण शाह, जो कि तमाम बड़े बड़े स्टारों के साथ में इनका गाना आ चुका है और नेपाल में तो धमाका की है, अब भोजपुरी में ये धमाका करने वाली है बड़े बड़े स्टारों के साथ और सोमिया पोखरेल का ये बहन भी है। किरण शाह जी सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्ते, गंगा चंद देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। नेपाल से आई है पटना में, कैसा लगा नेपाल से पटना? बहुत अच्छा सर, अच्छा लगा। क्या मूड बना के आई है नेपाल से? नेपाल में तो धमाका कर चुकी है, यहाँ पे भोजपुरी में क्या धमाका करने वाले हैं? नेपाल में जो नहीं किए उससे अच्छा यहाँ पे करेंगे। अभी किसके किसके साथ में गाना कर चुके हैं आप? प्रमोद जी, टुनटुन यादव, और उसके बाद में बुलेट राजा, बुलेट राजा, समर सिंह। समर जी के साथ हुआ नहीं, होने वाला है, होने वाला है जी। अच्छा, प्रमोद प्रेमी के साथ में कौन सा गाना किया है? आरा एक सारा वाला है। अच्छा, उसके बाद में कल ही रात में मेरा बरसात वाला गाना हुआ था जो कल रिलीज होगा, अब नाम मुझे देखना पड़ेगा कौन सा। किसके साथ में बरसात वाला? प्रमोद जी के साथ ही है, प्रमोद प्रेमी के साथ। अच्छा, नेपाली में कौन कौन सा मतलब गाने आपने? नेपाली में मैंने कोई गाना नहीं किया, मैथिली में किया, भोजपुरी में किया, नेपाली में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो महाराज नेपाली खाली नाम के है, नेपाल से नाम के है, खाली मैथिली में या भोजपुरी में मतलब की काम कर? क्या हुआ सर ना, जब मैंने नेपाल में स्टार्ट किया था काम ना, उसके बाद फिर मैंने काम छोड़ दिया था और फिर मैंने स्टार्ट किया। जब से मैं पटना आई हूँ, पटना से दिल्ली गई, दिल्ली में फिर अवधेश जी के साथ, धनंजय जी के साथ काम किया, फिर दिल्ली से पटना आई, फिर पटना से मैं काठमांडू गई, फिर काठमांडू से पटना आई, और अभी मैंने फिर टुंटू जी के साथ में वो किया, क्या बोलते हैं, बोलबम के गाने, फिर अपने प्रमोद जी के साथ बोलबम के गाने हुआ, और प्रमोद जी के साथ मेरा लोकगीत भी है, फिर बोलबम के हैं, और फिर बरसात है। ये बहुत प्यारा गाना है बरसात वाला, बहुत धांसुस होंगे। अच्छा, भोजपुरी को लेकर के जानती हैं आप? शुरू तो कर चुके हैं, यहाँ पे भोजपुरी में जो इन करता है तो बताती है कितने लड़कियां कि काम के लिए उनको उनसे बेड शेयर करवाते हैं लोग, क्या आप कर सकती हैं? भोजपुरी को मैं 4-5 साल से जानती हूँ, पर मैंने काम छोड़ दिया था इसके लिए, मान लीजिए कि मेरा न्यू फेस आ रहा है, पर मैं पुरानी हूँ इस लाइन में और अभी तक मुझे इस चीजों से गुजरना नहीं पड़ा। पता है दो चीज होती है, एक टैलेंट होना चाहिए नहीं तो एक, पर बाकी लोग बोलते हैं तो शायद उन लोग का तो मैं नहीं बता सकती। माता रानी की कृपा से आज तक मैंने जिनके साथ भी काम किया अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां आके ये आरोप लगा चुकी है कि भोजपुरी में अगर काम करना है तो आपको बेड शेयर करना है, काम के बदले उनको बिस्तर गर्म करना होगा, क्या आप ऐसा कर सकती है? मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं और मुझे लगता है कि ऐसा समय आए तो मैं काम ही छोड़ दूं। काम छोड़ दूंगी जी। लेकिन ये सब होता है, कितना खराब लगता है अच्छी लड़कियों के लिए, क्योंकि आती है कहीं ना कहीं शौक से कि हम आगे बढ़े, अपना घर परिवार छोड़ करके आप भोजपुरी में जब इन सब बातों को सुनना पड़ता है तो कितना आपको दुख तकलीफ होता है, ये पहले बताइए। बहुत बुरा लगता है सर, क्योंकि फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है ना, और नम्र जिसका तो नॉर्मल फैमिली हो चाहे गाँव से हो, उन लोग, और मेरी भी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, मेरी मम्मी पापा भैया, भैया को तो बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे। क्या बोलते थे आपके फैमिली? बोलते थे ये सब नचनिया बजनिया के काम मतलब होता है ना, उन लोगों को पसंद नहीं है मेरे फैमिली में। फिर मैंने जब शुरुआत किया तो मैंने चिंटू जी के साथ काम किया, शुरुआती मैंने चिंटू जी के साथ, चिंटू पांडे। हाँ। क्या क्या गाने? नहीं नहीं, मूवी मूवी कर चुकी है आप? जी मैंने बहुत मूवी किया है। कितने मूवी की है हमारा? 4-5, जिसमें मैं, हाँ, जिसमें मेरा छोटा छोटा कैरेक्टर है और जो नेक्स्ट आने वाली हो बहुत बड़ा कैरेक्टर है और जो खेसारी लाल यादव जी के साथ है। खेसारी लाल यादव के साथ ट्रेंडिंग स्टार के साथ जी। कौन सा क्या मूवी आएगा जी?
मूवी का नाम अभी हम नहीं बता सकते और उनके साथ एग्रीमेंट हुआ मुझे 1.5 महीना हो गया। अच्छा। और उनके पास अभी बहुत सारा टाइम नहीं है, बहुत सारे गाने में वो व्यस्त हैं। अभी वो मुंबई थे, अभी शायद गोरखपुर में हैं, तो उनके पास वक्त नहीं है। जब उनका वक्त हो जाए, टाइम मिल जाए, तो उनका मूवी स्टार्ट होने वाला जो नेपाल में होगा। नेपाल में होगा शूटिंग वाला, अपने घर पे ही बुलाएंगे? नहीं सर, काठमांडू में होगा। काठमांडू में जो डायरेक्टर साइन कराए हैं वो नेपाल के हैं, नेपाली के। अच्छा, एक बात और है, सोम्या पोखरेल खेसारी के टैटू से वायरल हो जाती है, आप भी वहीं से है, कहीं ना कहीं बहन लगेगी आप, क्या कहना चाहेंगी सोम्या पोखरेल को लेकर के? सोम्या मेरी दीदी लगेंगी और मैं दीदी बोलती भी उनकी, मेरे घर की ज्यादा दूर नहीं है, उनका 10 मिनट का ही रास्ता है, और अपनी जगह पे वो अच्छी है, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। काफी विवादों में भी घिर चुकी थी भोजपुरी में, आप देखी होंगी, काफी आरोप भी लगा रही थी, बहुत सारा ये सब उल्टा पुल्टा जो समझ रही हैं आप, मैं बोलना चाह रहा हूँ क्या है ना सर कि सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ है, मैं किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती, उनका लाइफ है और मैं उनको मानती हूँ, सबको मानती हूँ मैं, और मेरा जो मानना है मैं मानती रहूंगी, उन लोगों का अपना अपना लाइफ है, मैं कुछ नहीं कह सकती उनके बारे में। पवन सिंह को आप जानती है? अरे पवन जी यार, कैसे नहीं जानेंगे, सोम्या पोखरेल तो बोलती है कौन पवन सिंह, ऐसा नहीं है, मैं उनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। और पवन सर को तो पवन सर को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। पवन सिंह कैसे हैं, मिले हैं आप? मैं पवन सर से तो कभी नहीं मिली, बाकी सबसे मिली हूँ, सब अच्छे हैं। पवन सर से जब मिलेंगे तब बताएंगे, बाकी मैंने सुना है और नेचर का अच्छे हैं, और उनकी टीम से मेरी कभी एक दो बार बातें हुई थी, पर अभी तक ना कोई मेरा गाना चाहे कोई मूवी उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। पर खेसारी जी के साथ मैंने शो किया था नेपाल में ही, फिर उनके संघर्ष के सेट पे गई थी, संघर्ष 2 के, तो उस वक्त तो खेसारी जी का एक बात करने का तरीका जो है बहुत प्यारा है, बच्चों जैसे बात करते हैं। पवन जी से नहीं मिली है, मिलेंगे तो वो भी अच्छे हैं। सर से नहीं मिले फिर भी वो अच्छे हैं, हाँ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि कभी उन्हें किनके साथ बुरा किया, अच्छा किया, उससे मतलब नहीं है। मेरे साथ तो कभी कुछ गलत नहीं ना, तो फिर मैं क्यों बोलूं बुरा है, सब अच्छे हैं अपने अपने जगह पे। अच्छा, कुछ अंदर की बातें बताना चाहेंगी जो कि हम नहीं जानते, कितना स्ट्रगल, कैसे वो मतलब भोजपुरी में पहुंची, मैथिली में पहुंची, कैसे आपको मतलब शौक जगा, कितना पढ़ाई सड़ाई, ये सब सारी थोड़ा हमारा दर्शक को बता दीजिए। मैं नेपाल से हूँ, नेपाल बारा जिला कलैया, जहाँ पे एक छोटा सा गांव है सिसुआ महेशपुर बोल के, वहीं से हूँ। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे 5 साल तो होने वाला ही है, तो 5 साल में मैंने शुरुआत किया था, तो उस वक्त तो बहुत ही दिक्कत हुआ था। और शुरुआती टाइम पे नेपाल से मैंने शुरुआत किया, तो उसके बाद में शुरुआती टाइम पे मुझे उनके चिंटू जी के साथ काम मिला था, वो नेपाल में ही हुआ था। उसके बाद यश जी के साथ काम मिला, उसके बाद में फिर खेसारी जी का शो हुआ, फिर कल्लू जी के साथ, फिर समर जी के साथ, इन लोग से मैं सबसे नेपाल से कांटेक्ट में हूँ। उसके बाद फिर मैंने काम छोड़ दिया था, यहाँ पर टिकटॉक चल रहा था, फिर मैंने कुछ कुछ इवेंट मैंने बहुत कम किया, इवेंट में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। और उसके बाद टिकटॉक से मुझे अच्छा खासा पहचान मिला नेपाल में, और वो सब माता रानी के आशीर्वाद, दर्शकों का प्यार है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे काम करना ही है, तो क्यों ना इंडिया में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत दूर पड़ती थी और इंडिया में नेपाल से कोई बुलाना नहीं चाहेंगे ना उतना दूर से। तो फिर मैं अभी जस्ट 1.5-2 महीना से पटना में रह रही हूँ, और जब से आई हूँ आप सबका प्यार से कंटिन्यू काम कर ही रही हूँ, जिसमें से जो इनका था परमो जी का गाना बहुत अच्छा खासा गया, अभी RX सारा वाला जो भी ट्रेंडिंग कर रहा था। उसके बाद में टुनटुन जी के साथ में मेरा परसों शूट हुआ, जिसमें से शायद कल परसों उनका गाना रिलीज होगा, तो बोलबम का है, उनके साथ लोकगीत भी आने वाली है, फिर समर जी के साथ, और जब मैं दिल्ली गई थी तो वो गाना भी रिलीज नहीं हुई है, शायद अब सावन बाद होगी। उसी दौरान मैं उनसे राकेश जी से मिली थी, तो राकेश जी के साथ भी बहुत जल्द आएगा। और बाकी कल्लू जी, तो कल्लू जी के साथ मेरा एल्बम अभी नहीं हुआ है, हो सकता है कि हो जाए आगे, बातचीत हुआ, हाँ बात हुआ है। अब बाकी उनके साथ मैंने इवेंट 2-3 बार किया है, फिर समर जी के साथ भी इवेंट 2-3 बार किया है, फिर आपका आते हैं ये रितेश पांडे जी के साथ भी मैंने इवेंट में 2-3 बार नेपाल में भी और इंडिया में। यानी कहे तो सुपर स्टारों के साथ सबके साथ आप काम कर चुकी है, पढ़ाई लिखाई मतलब कितना हुआ, कितने टाइम से आपको शौक जगा कि हम मतलब भोजपुरी में अपना काम करें या कदम रखें? जब मैं छोटी थी, जब माने कि मैंने होश संभाला अपना, तो मैं टीवी में देखती थी हीरो हीरोइनों को, तो मैं बोलती थी कैसे बोले ला लोग, मतलब ऐसे में भोजपुरी में उधर भोजपुरी कैसे बोले ला लोग, हम बोलती, मतलब एक होता है ना अपने अंदर, तो मेरा भी अंदर से था कि मैं भी हीरोइन बनूंगी। मेरा ना डांसिंग का शौक है ना ये, एक हीरोइन का मैंने सोच लेके आया है और आगे भी मैं इस चीज को जारी रखूंगी, पर बाकी बचपन से ही शौक है। पढ़ाई मैंने छोटी एज में ही छोड़ दिया था, क्योंकि पढ़ाई में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैं 9th क्लास गई, 10th में जाने से पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, पर मुझे पढ़ाई आगे जारी करनी है, फिर से मैं पढ़ूंगी।
मतलब हीरोइन बनने का इनको भूत सवार था, ये हीरोइन बन भी गई, पढ़ाई उसके आगे छोड़ दी। क्या कुछ पिक्चर के डायलॉग लोग सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शक के लिए? डायलॉग नॉर्मल है, उसमें साली का कैरेक्टर था चिंटू जी वाले में, और यश जी वाले में फैमिली ड्रामा था। और अभी मैं जो नेक्स्ट मूवी की हूँ जो काठमांडू में शूट हुआ, उसमें भोजपुरी के टॉप डायरेक्टर पराग पाठल जी थे और प्रिंस जी थे, और उसके बाद मनोज नारायण थे जिन्होंने काफ़ी सारे भोजपुरी को बहुत अच्छे मूवियाँ दिया है उन्होंने। फिर उसके बाद भी मैंने एक और किया था जिसमें संतोष मिश्रा डायरेक्टर सॉरी राइटर है, उनके साथ भी मैंने किया था। वो दीदी रहती है, उनका मेहंदी का रस्म होता रहता है, तो मैं आती हूँ, सबका बैठे रहते हैं हम लोग, तो उनको ही बोलना है कि साजन से तू प्यार करे लू कि ना सबके बताओ, ऐसे कुछ था, नॉर्मल था, खासी कुछ नहीं था। हाँ, तो ऐसा है कि सर जो होता है ना डायलॉग का मतलब होना चाहिए मार धड़ एक्शन हीरो के साथ, यूनिक शब्द भी रहता है, कुछ यूनिक हंसी मजाक जो भी है वो वाला भी रहता है, ऐसा बात नहीं। वो हो जाएगा सर, अभी जो नेक्स्ट वाले आने हैं उसके बारे में बता दूंगी, वो बहुत पुराना भी हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत पुराना मतलब बहुत दिन से जुड़ी हुई हूँ, तो इसके बीच में मैंने काफी काम किया, इधर उधर भाग दौड़, अभी ट्रैवलिंग जाना आना, तो उसके बीच में भूल भी जाती हूँ सर। और अभी मैं जब से आई हूँ पटना में, कम से कम मैंने 30-35 गाने किए, जिसमें से 20-22 गाने रिलीज हो चुकी है, और अच्छा अच्छा कंपनी में है, और अच्छा अच्छा सब प्यार मिल रहा है। उस गाने का बोल है, राते दरदिया दिला पति पलंग के दुर्गति, ऐसा कुछ आ रहा है, एक सारा करा देना, ऐसे वाला सॉन्ग था। चलिए, प्रमोद प्रेमी के साथ में बहुत अच्छा गाना आया हुआ है, और भोजपुरी में जब इन करी हैं तो भोजपुरी का कहानी आपको मालूम है ना, कई लड़कियां आके आरोप लगाती हैं कि काम से पहले आपको काम करना है भोजपुरी में, तो आपको बेड शेयर करना पड़ेगा। हुआ होगा तभी तो लोग बोलते हैं, ठीक है, अब बहुत ही लोगों के साथ गुजरना पड़ा होगा, पर बाकी मैंने जब से काम किया अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर क्या होता है ना सर, शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत होती है, लोग बोल नहीं पाते हैं, पर लोगों के दिमाग में ये चीज चलती है, और बहुत आदमी सोचते हैं कि क्यों ना कि हम इसके साथ कुछ करें फिर काम दे, तो लालच आदमी का मन में होता है, पर बाकी क्या होता है कभी कभी कोई इंसान खुल के नहीं बोल पाते हैं, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाकी सबका अच्छा खासा प्यार है मेरे साथ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ। अगर सामने से कोई आके आपको ऑफर करता है तो कि गाने में अगर काम करना है तो एक दिन के लिए रात गुजारना पड़ेगा, बेड शेयर करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे? उसी वक्त उठाएंगे जूता, मुंह पे मारेंगे प्राक से, इसलिए कि हम यहाँ पे काम करने आए हैं ना, तुम्हारे साथ सोने थोड़े ना आए हैं, पर बाकी जो भी मेरे से अभी जुड़े हैं सब मुझे एक बच्चे की तरह मानते हैं, तो बाकी मेरे साथ अभी कुछ ऐसा नहीं। बहुत सारी आके आप देखी होंगे, बहुत सारा लड़कियां आके ये आरोप लगा चुकी है, भोजपुरी में ऐसा होता है, बताती है, हमसे भी कई मतलब मॉडल आ चुके, आप देखे होंगे कई, हमने न्यूज चलाया। क्या होता है ना सर, इंसान बहुत टूट जाता है जब आदमी को एक बार से दो बार काम ना मिले, बार बार कोई डिमांड करे, फिर पैसा ना हो, आदमी काम करना चाहता हो, फैमिली दबाव, समाज के दबाव, बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती है, पब्लिक के, उस वक्त इंसान टूट जाता है, तो इंसान क्या करे। तो इंसान कभी कभी ना टूटने के बावजूद भी किसी के साथ गलत कर लेते होंगे, ठीक है, बाकी वो जब उकता जाते हैं तो फिर बोलने लगते हैं सोशल मीडिया पे, तो करने से पहले उन लोग को सोचना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, उसके बाद काम करे ना। लेकिन अच्छी लड़कियों के लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत है, बहुत सारी लड़कियां भी आ गई हैं भोजपुरी में जो कि गलत मतलब कि करती हैं, आया के फिर उल्टा सीधा बोलती भी हैं, उनके लिए क्या होगा जवाब आपका? उनके लिए ये जवाब है, पहले अपने आप को सही कर लो, फिर किसी और पे आरोप लगाओ, अगर हम सही हैं तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, ये बात नहीं, मेरा जो कि लड़कियां आके भोजपुरी में गलत कर रही हैं, उनके लिए क्या मतलब संदेश होगा? आप मेरा सवाल समझ रही हैं कि नहीं? समझ गए। उनके लिए ये संदेश है कि अगर जो गलत कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि उन लोगों की वजह से बाकी आदमी को दुख पहुंचता है। अच्छी लड़कियों को तकलीफ होता है, यही बहुत दुख पहुंचता है। लोग बोलते हैं अरे तुरा में एक बात करती, अगर हम तुरा में अगर कुछ पैसा खर्च करें तो कोनो स्टार पे काय ना करें, कोनो फेमस पे काय ना करें, कि उससे मेरा नाम हो चाहे मेरा काम हो। नॉर्मल लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है, लोग काम नहीं देना चाहते हैं, तो इसी की वजह से उन लोगों को गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को दिक्कत होती है, दुख पहुँचता है, उसी नजर से लोग कहीं ना कहीं देखते। एक बार इंसान को एक गलत कर लेना सर तो आप सही भी है ना, तो लड़कियों को लोग गंदा नजर से देखते। आज हम इतने नॉर्मल है, मुझे कोई बोल नहीं सकता कि मैं मॉडल हूँ चाहे मैं काम करती हूँ, पर कहीं ना कहीं लोगों को लगता होगा ये भी तो ऐसे ही होगी। जैसे मैंने इतना लोगों के साथ आते आते काम किया, सुनने में बहुत लोगों से आया ऐसे ही काम मिलो, बहुत कुछ केले हुई, पर मैंने उसी वक्त बोला कि प्रूफ, पहले प्रूफ दो ना तो मुंह तोड़ देंगे। ऐसे किसी पे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते ना सर।
इसीलिए ना हम पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अच्छी लड़कियों को भी दुख होता है, तकलीफ होता है कि कोई ना कोई आके उंगली उठा देता है कि आप भी भोजपुरी से ना भाई, आप भी भोजपुरी से आपकी नहीं होगी तो आपको काम मिला होगा, इतना आदमी सब बेट शेयर करके किया है तो आपको भी तो करना पड़ा होगा। पर मेरा मानना है सर कि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, आगे भी नहीं होगा, और जिस दिन होने लगेगा उस दिन मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। छोड़ दूंगी जी सर। चलिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।